सो गाइस ये है मेरे पास टीवीएस स्टार सिटी प्लस। तो देखिए जो कंपनियां होती हैं किसी ना किसी कंपनी के कुछ फायदे भी होते हैं और किसी कंपनी के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब यहां पर देखिए मैं आपको दिखाऊंगा इसमें आपको क्या नुकसान देखने को मिलेगा। देखिए जब हम किसी बाइक के गियर लगाते हैं तो यहां पर होता क्या है, जो ये हमारी इसकी गियर शाफ्ट होती है, तो कई बार आपने देखा होगा जो हमारा ये मैं आपको दिखा दूं, ये इसकी जो है गियर लीवर होती है, जो यहाँ पर जब मान लो ये खराब हो जाती है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ से इसके दांते खराब हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लो चलो किसी के पास ना इतना बजट हो तो उसके अंदर पत्ती दे के इसको लगा देते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी हीट करके इसके अंदर ये नट लगा देते हैं, ये टाइट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नुकसान हुआ है देखिए इसकी वजह से, तो जो ये शाफ्ट है ना यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे कि ये हमारी हीरो की स्प्लेंडर बाइक है, तो जब हम यहाँ पर ये हीट करते हैं ना, ठीक है, तो इस चैम्बर में जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये इसका चैम्बर है, तो उसमें यहाँ पर एक स्पॉट लगी रहती है बीच में, जैसे कि इसमें ये है, ठीक है, तो ये क्या काम करती है, ये स्पॉट इसको ना ऐसे रोक के रखती है इस शाफ्ट को इधर आने से, इसमें माइनर सी प्ले होती है, ठीक है, तो हल्की सी जैसे कि इसमें ये इतनी प्ले होती है, ठीक है, ऐसे ही इसमें होती है ताकि ये ज्यादा इधर ना आए, लेकिन इसमें यहाँ पर जो है ये स्पॉट नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसमें स्पॉट नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो वो शाफ्ट है उस साइड में जो है एक लॉक होता है, आप ये देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें ये लॉक है, तो यहाँ पर होता क्या है, जब ये लॉक यहाँ से खिसक जाता है, देख सकते हैं ये लॉक यहाँ से पीछे खिसक गया, बाइक गिर गई जो भी हुआ, क्योंकि बाइक खेतों में चलती है, तो यहाँ पर लीवर पर काफी झटका लगा और यहाँ से ये लॉक निकल गया, तो ऐसे में ये गियर में प्रॉब्लम कर रही थी, ठीक है, ना तो इसके गियर प्रॉपर लग रहे थे और ना ही निकल रहे थे, कभी कभी जो है शाफ्ट ये अंदर चली जाती थी, इसके चलते प्रॉब्लम आती थी, और उसके चलते क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो ये हमारा क्लच हाउसिंग है, यहाँ पर देखिए आप जो ये रिपीट है इनके पीछे निशान पड़ गए, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका यहाँ पर ड्रम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना जैसे कि ये इधर आ जाती है, तो ये इस ड्रम को इधर खींच देती है, जिसके चलते ये इस पर टकराता है और इससे आवाज आने लगती थी, ठीक है, ये इसका नुकसान होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये मैंने एक कमी देखी है, आप देख लेना और शायद आपको ये पता भी होगा, तो इनके अंदर ये नुकसान है। तो हीरो की बाइक में जो ये हमारा क्लच का चैम्बर होता है, यहाँ पर एक स्पॉट लगी होती है, वो उसको रोक के रखती है ताकि यहाँ पर जब हम उधर से हिट करें तो यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर अगर वो लॉक निकल जाता है तो इसके चलते ये जो है शाफ्ट इधर आ जाती है और जिसके चलते यहाँ पर गियर में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस बाइक में ये आप विशेष ध्यान रखें, जब भी यहाँ पर ये आप शाफ्ट डालें तो यहाँ पर इसके अंदर जो ये यहाँ पर लॉक लगता है, यहाँ पर ये कट सही होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर ये सही होना चाहिए, जिसके चलते यहाँ पर ये लॉक इसको प्रॉपर पकड़ के रखेगा। अगर ये लॉक यहाँ से निकल जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, आपकी शाफ्ट ये काफ़ी प्ले हो जाएगी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा इसमें प्ले हो चुकी है, तो ये अंदर चली जाती थी, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर ये गियर प्रॉपर नहीं लग पाते थे, ये इसका एक मैंने यहाँ पर जो है नुकसान देखा है। तो आप इसको विशेष ध्यान में रखें, हीरो की बाइक में कुछ और होता है लेकिन यहाँ पर जो टीवीएस की बाइक होती है इनमें ये लॉक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये इसे मैंने एक कमी देखी, तो यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको इसमें ये देना चाहिए, जिसके चलते यहाँ पर जो है इसको मैंने खोल के ओपन करके देखा कि यहाँ से क्या साउंड आ रही थी, तो यहाँ पर जो थी ये साउंड इसीलिए आ रही थी, ये इससे टकराता था जो ये इसका क्लच हाउसिंग है, और यहाँ पर ये जैसे कि की अजीब सी आवाज़ निकालता था, जैसे कि कुछ मारो टकराता है तभी कुछ आवाज़ पैदा होती है, तो ये रिपट जो है यहाँ से घिस गई है। तो चलो अब इसका तो हम इलाज कर देंगे, तो मैं आपको इसमें यही बता रहा हूँ, तो इसके अंदर ये एक छोटी जानकारी थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।